हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ केयर मेडिसिन पर, और मैं हूँ आपका अपना डियरक सोनू फार्मासिस्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नींद की टैबलेट के बारे में। दोस्तों, अगर ये टैबलेट किसी भी लड़की को या किसी भी पुरुष को खिला देते हो तो यह टैबलेट 6 घंटे तक अच्छे से सुला सकती है। दोस्तों, अगर इस टैबलेट को आप किसी को भी खिला देते हो तो उसको 6 घंटे के लिए पैथर नींद दिला सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस टैबलेट में हम क्या क्या देखने वाली है। सबसे पहले चेक करेंगे हम इसका ब्रांड नेम की, कि इस टैबलेट को कौन से ब्रांड नेम से खरीद सकते हो। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कंपोजिशन की, कि इस टैबलेट में क्या कंपोजिशन पाया जाता है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे प्राइस की, कि इस टैबलेट को कितने रुपये की आप खरीद सकते हो। चौथे नंबर पर बात करेंगे यूजेस की, कि इस टैबलेट को कौन सी कंडीशन में आप ले सकते हो। पांचवें नंबर पर बात करेंगे यह टैबलेट कितनी देर तक असर करती है, कि इस टैबलेट को लेने से कितनी देर तक नींद आ सकती है। छठे नंबर पर बात करेंगे कैसे लेनी चाहिए, मतलब इस टैबलेट को कैसे खानी चाहिए जिससे कि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। सातवें नंबर पर बात करेंगे डोज की, कि कौन कितनी मात्रा में ले सकता है। आठवें नंबर पर बात करेंगे साइड इफेक्ट की, कि इस टैबलेट को खाने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और सबसे लास्ट में बात करेंगे एल्प्रेक्स टैबलेट किसको नहीं लेनी चाहिए, मतलब किसको नहीं लेनी चाहिए और किसको लेनी चाहिए। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो एल्प्रेक्स 0.25 mg या एल्प्रेक्स 0.5 mg, यह मार्केट में आपको इस नाम से मिल जाएगी। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो एल्प्राजोलम साल्ट पाया जाता है, जो बेंजोडाइजेपाइन क्लास की मेडिसिन है। दोस्तों, यह एल्प्रेक्स टैबलेट टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं प्राइस की, कि यह एल्प्रेक्स टैबलेट मार्केट में कितने रुपए की मिल सकती है। तो 30 से 40 रुपए की पर स्ट्रिप, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है, आपको मिल जाएगी। और नंबर 4 पर बात करते हैं यूजेस की, कि इस टैबलेट को कौन कौन सी कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले यूजेस है पैनिक अटैक्स, मतलब जो पैनिक अटैक्स है उसको रोकने का काम करती है। जो हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको रिलैक्स करके पैनिक अटैक्स को रोकने की क्षमता रखती है। नंबर 2 पर बात करें रिलीव एंजाइटी, मतलब जो आपको चिंता हो रही हो किसी बात को लेके, तो उस चिंता को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। या चेंजेस ब्रेन फंक्शन, आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो तो उसके ब्रेन को फंक्शन को चेंज करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। या डिप्रेशन, अगर आप बहुत सी डिप्रेशन में जा लिए हो तो डिप्रेशन वाले पेशेंट को भी यह टैबलेट दिया जाता है। नंबर 5 पर बात करते हैं यह टैबलेट कितनी देर तक असर करती है। यह टैबलेट लेने से 6 से 8 घंटे तक आपको अच्छी नींद सुला सकती है। जो पेशेंट कभी कभी लेता है तो उसको 1 दिन से लेकर 2 दिन तक भी असर देखने को मिल सकता है। यह टैबलेट 1 से 2 घंटे के बाद असर दिखाना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं नंबर 6 की, कि इस टैबलेट को कैसे लेनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट इस टैबलेट को डेली लेता है तो उसे खाने के बाद डेली एक ही टाइम पर लेने की सलाह दी जाती है। और अगर किसी को भी वैसे दे रहे हो जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, तो आप उसको चाय में डालकर पिला सकते हो। चाय में डालकर पिलाने से उसका रिजल्ट बढ़ जाता है, जिससे कि और ज़्यादा नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 7 पे बात करते हैं डोज की, इस टैबलेट को कौन कितनी मात्रा में ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अडल्ट की, कि अडल्ट में यह टैबलेट कौन सी कितनी डोज में लेता है। तो 0.25 mg से लेकर 0.5 mg तक इस टैबलेट को 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगर बात करें ओल्डर अडल्ट्स की, बड़े आदमियों में जो टैब डोज दी जाती है, तो 0.25 mg से लेकर 2 mg तक दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगर बात करें चिल्ड्रन की, कि इस टैबलेट को चिल्ड्रन में कितनी डोज में देनी चाहिए, तो चिल्ड्रन को इस टैबलेट को देने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नंबर 8 पर बात करते हैं साइड इफेक्ट की, कि इस टैबलेट को लेने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात है उल्टी होना, या उल्टी का मन होना, या सिर दर्द होना, या डायरिया होना, या कंस्टिपेशन होना, या ड्राउनेसिस होना, या ज़्यादा नींद आ सकती है, या वेट लॉस हो सकते हैं,
या अचानक से आपको ज्यादा पसीना आ सकता है, या थकान महसूस हो सकती है, या हार्ट बर्न हो सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट है जो एल्प्रेक्स टैबलेट लेने से आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं एल्प्रेक्स किसको नहीं लेनी चाहिए, मतलब किसको एल्प्रेक्स टैबलेट लेने की सलाह नहीं दी जाती। जो प्रेग्नेंट महिला है तो उसको एल्प्रेक्स लेने की सलाह नहीं दी जाती, या एल्कोहल लेने वाले पेशेंट एल्प्रेक्स टैबलेट का यूज ना करें, किडनी वाले पेशेंट, लिवर वाले पेशेंट और ड्राइविंग वाले पेशेंट। जो महिला बच्चों को दूध पिलाती है उसको भी यह टैबलेट लेने की सलाह नहीं दी जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।